ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि पितृपक्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और जितनी भी स्त्रियां इस वीडियो को देख रही हैं, बस आपको दो फूल पटक देना है और अगर आपके घर में पितृ दोष लगा हुआ है जिसकी वजह से पैसे घर में टिकते ही नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा कि कैसे करना है इस पूरे उपाय को, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, छोड़ना मत, वरना फिर गलती हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले वीडियो को कर दो लाइक और जितने भी भाई बहन मेरी समाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक तांबे का लोटा, दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, एक तांबे के लोटे, मतलब तांबे का लोटा ना भी हो तो चलेगा, कोई सा भी पात्र लेना। ये बात मैं पहले बता चुका हूं, बस आपको याद दिला रहा हूं। आपको जल भरना, ठीक है, जितने भी दिन पितृपक्ष में बते हुए हैं उन सभी दिनों में करना, जल लेना। और उसी कलश के अंदर आपको दो सफेद फूल लेने होंगे, जो भी सफेद फूल आपके घर के आसपास इजिली अवेलेबल हो, आसानी से मिल जाए, वो सफेद फूल लेना और उस सफेद फूल को इस कलश के अंदर डाल देना। इस सफेद फूल को क्या करोगे, आपके घर में जहां पर भी मटका रखता हो, परिंडा रखते हो, पीने के लिए पानी रखते हो, पितृ पक्ष के पूरे दौरान में आपको उस जल को अपने मटके परिंडे के पास शाम के टाइम पे या फिर सुबह के टाइम पे रख देना, ठीक है। रखने के बाद क्या करोगे, जब आप अगले दिन सुबह सो करके उठोगे, स्नान करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसमें से सबसे पहले दो सफेद फूल को निकालना है और अपने जो मेन गेट होता है, जो लोहे का गेट होता है, उसके दोनों तरफ एक एक सफेद फूल को पटक देना, ठीक है। ये पटक दिया, उसके बाद जो कलश का जल होगा ना, उस कलश के जल को जहां पर फूल पटका है उसी के चारों तरफ या फिर उसी एरिया में पूरा आपको उस जल का छिड़काव कर देना है। इससे क्या होता है, हमारे पितृ खुश होते हैं और पितृ तृप्त भी हो जाते हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि खुश होने में और तृप्त होने में डिफरेंस है। खुश अगर हो गए तो इस बार या फिर एक साल दो साल तक आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन एक बार अगर तृप्त हो गए ना तो पूरा जीवन आपको परेशान नहीं करेंगे, पितृ दोष कभी लग ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये काम करना होगा। फिर क्या करोगे, उस कलश में फिर से जल भरना और फिर ला करके अपने घर में मटके परिंडे के पास रख देना। अगले दिन फिर आप सुबह उठेंगे, फिर आपको यही सेम प्रोसेस करना होगा पूरे पितृपक्ष के दौरान। अगर शुरू से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए, भूल गए हैं तो आपको याद दिला दिया हूं, अब आप आगे कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। समझ में आई बात मेरी, तो आप सभी लोगों को ये उपाय करना होगा। अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पे आप हमसे बहुत सारी बातें कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।